अबू असीम आजमी की जीत पर क्या कुछ कहा स्वामी भानु प्रताप महाराज ने। उन्होंने ऐसा कृत किया है, लेकिन वो लंबा समय होगा। सत आद मानवता शर्मसार हो रहा है, इंसानियत कहीं मुसलमान के नाम पे मुद्दा छूट गए, बटेंगे कटेंगे में वोट होगा तो देश कहाँ जाएगा। ये नौजवान नशा नहीं करेगा कि हत्या नहीं करेगा, छिनैती नहीं करेगा, क्योंकि बेरोजगारी की बेरोजगारी छिनैती हत्या लूट पाप अत्याचार सब होता है। ये पाप बड़ा पेट पापी होता है पेट। तो भारतीय जनता पार्टी केवल जुल्मों जुमलों से भरती है पेट, इसलिए आज का खुशी का मारो इतने मुस्कान हैं। ये दाढ़ी और ये योगी भी देखिए ये साथ हैं, यही हमारा हिंदुस्तान है। हमेशा रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अबू असीम आजमी की जीत पर भारी संख्या में उनके प्रशंसक मौजूद रहे। वहीं महीनों से इस शुभ घड़ी को देखने काफी दूर से आए हुए स्वामी भानु प्रताप महाराज ने क्या कुछ कहा मानखुर्द शिवाजी नगर की जनता को। बाबा काफी दूर से चल के आप यहां आए, आज अबू असीम की जीत पे क्या कहना है आपको? देखिए सर्वप्रथम मैं आज शिवाजी नगर की पूरी जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये एक लोकतंत्र का पर्व था। हम जनता के बीच में सारी पार्टियां अपनी नीतियों को लेके गई, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने जहां हिंदुओं में बांटने का काम किया, शिवाजी नगर में मुसलमानों में भी नफरत की दीवार मुसलमान में ही मुसलमान से पैदा करने का ये दृश्य दिखाई दिया। तो इसी में ये मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूँ अबू असीम के कामों को, जो इन्होंने संविधान के तहत लोकतंत्र के तहत मात्र मुसलमानों का नहीं वहाँ से हट करके संविधान और अपने मानवता इंसानियत के ये दायरे को देखते हुए उन्होंने जो काम किया जल का और सड़क का, या किसी व्यक्ति उत्तर भारतीयों के ऊपर अगर कोई जुल्म जाति होती है या कहीं देश में कोई इस तरह की घटना होती है जिससे देश के संविधान लोकतंत्र मानवता और जो हमारे शहीद हुए या कोई हमारे पैगंबर रहे चाहे राम रहे चाहे कृष्ण रहे, तो सबके सम्मान के उतरने का ये प्रणाम है। मैं ये बधाई देना चाहता हूँ इनको, और अखिलेश यादव जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बनने में कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। और महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र से अबू असीम साहब एक नई दिशा और दशा, उत्तर प्रदेश की जो 27 का चुनाव है इसका अब असर सीधे सीधे 27 को चुनाव को अब चुनौती दे दिया कि समाजवादी पार्टी अब जो समाजवादी का मोमेंट है जो पीडीए का मोमेंट है यहाँ काम आया। यहाँ पीडीए का वोट अबू असीम साहब को वोट दिया, हिंदू वोट दिया है, आप सर्वे कर लीजिएगा, मैंने सर्वे किया है। मात्रा में अगर मुसलमान कट गया लेकिन पीडीए कहा मेरा लाल है अबू असीम, मेरी संविधान का रखवाला है, इसे महाराष्ट्र में जिताना है और इसी के नाम से इसके कार्यकर्ता इसकी विचारधारा से भी उत्तर प्रदेश में 27 में अखिलेश यादव मंत्री बनाएंगे। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं, समाजवादी विचारधारा के लोगों को और पीडीए के लोगों को यह देना चाहता हूं, और खास तौर से जो अगर कहीं मुसलमान भाई भटक गया है नफरत की बीजों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतना छल है कि वो देवताओं को बांट देती है, राम को बांट देती है, तो मानव को बांटने में कितना देरी लगेगी। इसलिए महाराष्ट्र में अबू असीम साहब के साथ जो बड़ा षड्यंत्र दिल्ली से हुआ था, कहीं कोई पतंग के रूप में, कहीं कोई घड़ी के रूप में, कहीं कोई जिहाद के नाम पे, कहीं ड्रग्स के नशा के, आप बता दो। मैंने आपको जवाब दिया था कई मंचों पे मैंने जवाब दिया था, अबू असीम साहब नवाब मलिक केवल नशा का मुद्दा लेके आए और मैंने कहा जनता उनकी नशा खुद उतार दी और वो कितने नंबर पे चले गए, और अबू असीम के पास नशा था, मैंने कई मंचों पे बोला संविधान बचाने का नशा, लोकतंत्र बचाने का नशा, मानवता बचाने का नशा अबू असीम आजमी ने गोवंडी के जनता में कर दिया, जो आज अगर महायुति की सरकार बनती है लेकिन मुलायम सिंह यादव का बबर शेर गोवंडी का शेर महायुति के खिलाफ एक सरकार बन रही है, दूसरा यहाँ अस्तंभ अखिलेश यादव का झंडा फहरा रहा है, ये हम लोगों के लिए समाजवादियों के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऐसे समाजवाद के नायक अबू असीम साहब को भी,
जनता को जो मतदाता भी नहीं दिया, तुम विचार करना तो आप तुम्हारे ऊपर हमला होगा। मुसलमान भाइयों जो आपने भाग गए, जो पीडीए भाग नहीं देंगे, अन्यथा कोई करने वाला नहीं है। इसलिए मैं पूरी जनता को बधाई देना चाहता हूं, अखिलेश यादव को बधाई, गोंडी की सभी जनता को बधाई, और जो दिन रात कार्यकर्ता मिल करके चाहता हूं कि बहुत बहुत बधाई हो। शिवाजी ने मान खुर्द शिवाजी नगर की जनता ने संविधान और एक लोकतंत्र, क्योंकि देखिए सत्य सत्य कम होता है, जुल्म का जब राज चलता है तो उसका बहुत तूफान आता है, तो उस तूफान में अगर अबू आसिम और यहाँ के लोगों ने ये संविधान, देश की दशा दिशा दूसरे तरफ जा रही है। आप कहीं देख लिए मायावती की सरकार बन रही है, मैं निश्चित तौर पे जरूर कहूँगा। स्वामी भानु प्रताप, भानु प्रताप जी ने बहुत अच्छी बात कही, यहाँ जो नज़ारा देखने को मिल रहा है काफ़ी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक अबू आसिम आज़मी, आज कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चौथी बार एक हैट्रिक लगाया है उन्होंने, ये अपने आप में एक मिसाल रहा है आज, जिसे लेकर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए। और इनका यह कहना है कि चौथी बार जो जीत हुई है एक कहीं ना कहीं समाजवादी विचारधारा की ज़बरदस्त जीत हुई है। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।